मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ओके, आजकल के टाइम में इन्हीं सब की ज़रूरत है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आने वाला है आपका फर्स्ट टर्म पेपर, इसलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर वन इज, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इक्वल। ओके, द जीरोज आर इक्वल्स। ओके, देन सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, सी एंड बी हैव अपोजिट साइंस, सी एंड ए हैज अपोजिट साइन, सेम साइंस, एंड सी एंड बी हैव सेम साइन। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं सी और ए, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, यानी सी नेगेटिव हो, सी और बी अपोजिट, मतलब क्या इनमें से सही ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा सी एंड ए हैव सेम साइन। अगर दोनों का सेम साइन होगा तभी हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो कर पाएंगे, जीरो इक्वल होंगे अल्फा बीटा। ओके, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होगा आपका अल्फा बीटा गामा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज इज माइनस डी बाई ए, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। तो विच ऑप्शन इज राइट? द ऑप्शन ए इज राइट, माइनस डी बाई ए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, then the value of k, it means 1 0 is minus 3, just put x equal to minus 3. अगर zeros है तो इस polynomial की value क्या होगी? 0, k minus 1 minus 3 का whole square plus k into minus 3 plus 1 equal to 0, it means 9k minus 9 minus 3k plus 1, it means 6k माइनस एट इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू एट बाई सिक्स मीन्स फोर बाई थ्री, कैंसिल करेंगे तो विच इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ए, फोर बाई थ्री। ओके, माइनस फोर बाई थ्री नहीं, टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री। नेक्स्ट, इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर जीरो, देन द थर्ड जीरो इज, ओके, नाउ द थर्ड जीरो इज माइनस बी बाई ए। दो जीरोज का सम जो है क्या है आपका? टू ऑफ द जीरोज जीरो है, तीनों का सम जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो, सम ऑफ टू जीरोज इज जीरो, इट मीन सॉरी माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर इन दोनों का सम जीरो है तो वाई गामा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, देन इट कैन नॉट बी ए लीनियर और ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, या तो वो लीनियर होगा या क्यूबिक होगा। दूसरा, कैन बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक ही हो सकता है। कैन बी ए क्यूबिक और ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है। फोर्थ में है, कैन बी लीनियर और ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या तो लीनियर होगा या फिर वो क्वाड्रेटिक होगा। तो इसमें होगा कैन बी ए क्यूबिक और ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, कैसे होगा? क्योंकि ये जो है दो जगह काट रहा है तो इसको हम लोग क्यूबिक और क्वाड्रेटिक कुछ भी कह सकते हैं। कम हो सकते हैं जीरोस, लेकिन ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते हैं। अगर दो जगह काट रहा है तो वो क्यूबिक भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्योंकि एटमोस्ट उतनी ही डिग्री टाइम काटता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स व्हेन पी एक्स पॉलिनोमियल है वी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज डिवाइडेड बाय ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर। देखिए यहां पर डिग्री थ्री है और इसको अगर हम किसी भी डिग्री फोर वाले से डिवाइड करेंगे तो यहां पर डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगी? लेस देन फोर होगी, लेस देन थ्री होगी, इक्वल टू थ्री होगी, या लेस देन और इक्वल टू थ्री।
तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल टू 3 होगी, क्योंकि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एज इट इज बच जाएगा, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या रहेगी, इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5 इज, एक ही हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन या मोर देन 3। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके कि जीरोज -2 एंड 5 हो, यानी मोर देन 3। ये तो बहुतों का आंसर आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे और दूसरा -3। देखिए जब 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0। द इक्वेशन इज 2x प्लस बी इक्वल टू -6, 2 4 -6। इफ -3 पुट करेंगे तो -3 स्क्वायर इज 9, ए प्लस 1 -3 प्लस बी इक्वल टू 0। द इक्वेशन क्या हो जाएगी, -3a प्लस बी, इट इज -3, 9 -3 इज 6, इट इज ऑल्सो इक्वल टू -6। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, प्लस माइनस प्लस, इट इज 5a, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0, इट मीन्स a इक्वल टू 0। नाउ जस्ट पुट a इक्वल टू 0 इन एनी इक्वेशन, 2 इंटू 0, b इक्वल टू -6, तो b इक्वल टू -6। विच इज द राइट आंसर, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू -6, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू द ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा इसमें नहीं है। पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड, ये भी अब क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यहां पर कितने जीरोज हैं, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3। ओके, तो दिस इज ए ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर दिस इज नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इन द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर -x प्लस 1। देखिए हड़बड़ी में इसको नहीं करना है, पहले 2 का आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब आपको देखना है कि क्या होगा। देखिए सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, -b/a, -b/a मीन्स --2/2, इट इज इक्वल टू 1, -2 माइनस, ठीक है, और प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ क्या होगा, 1/2 c/a, तो 1 एंड 1/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट, सम इज 1 एंड प्रोडक्ट इज 1/2। ये चारों आंसर में देखिए प्लस माइनस का डिफरेंस है थोड़ा सा, तो थोड़ा सावधानी बरतेंगे। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल इज 1/3x² -5x+3/2, देन इट्स सम एंड प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा सावधानी करनी है, क्योंकि पॉलिनोमियल है x² / 3 -5x+3/2। अगर इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल है तो 3 और 2 का क्या एलसीएम होता है, 6, पूरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कट के हो जाएगा 2x² -30x, और इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा +9। ओके, नाउ सम ऑफ द जीरोज इज -b/a, यानी -30/2, थोड़ा माइनस का ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 15 एंड प्रोडक्ट इज 9/2, तो आंसर होगा राइट आंसर 15 है, पॉजिटिव है, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, तो बोथ आंसर आर पॉजिटिव, 15 9/2। ओके, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट, इन द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन देखिए ये हमेशा पैराबोला अपवर्ड अगर डायरेक्शन में पैराबोला है तो यहाँ पर a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये याद रखिए, और अगर पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो a इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं b और c को हमको देखना ही नहीं था, हम लोग पहले देख रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन 0, पैराबोला इन अपवर्ड डायरेक्शन।
ए कभी भी नेगेटिव, मतलब ए का मतलब है कि फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन जीरो वाला ए, याद रखेंगे। अब बाय डायरेक्शन ए इज ग्रेटर देन जीरो, डाउनवर्ड ए इज लेस देन जीरो। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी इज डिविजिबल बाय द, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी इज डिविजिबल बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन ए बी, ये पूरा डिविजिबल है यानी दोनों के कौन कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो, ओके। और इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, इट मीन्स माइनस बी, यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी, माइनस बी बाई ए करेंगे। अब माइनस बी इसमें पुट करेंगे तो गामा इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया, यानी एक जीरो मिल गया, गामा इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहां से प्रोडक्ट देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, यानी यहां से क्या हो जाएगा सी बाई ए, ओके। नाउ पुट इससे अल्फा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इट इज इक्वल टू सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी सी बाई ए, यहां पर ए वन है तो ये हो गया सी। अब अल्फा बीटा इक्वल टू सी यहां पुट करेंगे और गामा की जगह बी पुट करेंगे इक्वल टू सी बाई ए, सी से सी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू वन। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए बी इक्वल टू वन। नेक्स्ट है इन द अबव क्वेश्चन सी इक्वल टू, अब हमको सी निकालना है। अब सी निकालने के लिए हम लोग एक इक्वेशन, इसमें से जो है वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। अब इस इक्वेशन में सी बाई ए मतलब बी बाई ए, इट इज इक्वल टू द बी बाई ए, ठीक है। अब अल्फा बीटा तो हमको पता है, अल्फा बीटा क्या है सी है, इसमें से गामा कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में डाल देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा हमको यहां से पता है पहली वाली इक्वेशन से, इट इज इक्वल टू माइनस बी, और गामा इक्वल टू बी यानी इट इज माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू माइनस बी इक्वल टू बी बाई ए। अब c इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए प्लस बी स्क्वायर, ओके। नाउ सॉल्व, इट इज ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू बी बाई ए, और ए बी इक्वल टू क्या है वन, तो b प्लस बी टू बी, द आंसर इज टू बी बाई ए। नाउ c इज इक्वल टू इन दिस क्वेश्चन टू बी बाई ए, ओके। नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी देन वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा वन अपॉन गामा, ओके। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ कर देते हैं, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा, ये क्या होता है एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है अल्फा बीटा गामा की होती है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाई ए, ओके। तो इन दिस इक्वेशन माइनस सी बाई ए डिवाइडेड बाई सॉरी सी बाई ए डिवाइडेड बाई माइनस डी बाई ए कैंसिल, इट इज इक्वल टू द माइनस सी अपॉन डी, माइनस बी बाई डी, बी डी ये भी नहीं है, माइनस सी बाई डी इज द राइट आंसर, ओके। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ द फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो रियल जीरोज देन एंड ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो, यानी तीनों का सम जीरो से कम है तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं नेगेटिव नंबर्स, देन सी जीरो होगा या सी ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा या फिर नन ऑफ दीज। तो पहले ही पता है कि लेस देन जीरो सबका सम ही लेस देन जीरो है, तो यहां पर c इज लेस देन जीरो होगा, ओके, c इज लेस देन जीरो। नेक्स्ट, द पॉलिनोमियल विच वेन डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वेन गिव्स ए कोशेंट एक्स माइनस टू एंड रिमाइंडर थ्री। अब इसको तो देखना पड़ेगा थोड़ा सॉल्व करके कि हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, px इक्वल टू हमको पता है gx इंटू qx
प्लस आर एक्स रिमाइंडर. तो विच वेन डिवाइडेड बाई मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये जी एक्स है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई गिव्स द क्वेश्चन इज एक्स माइनस टू एंड द रिमाइंडर इज थ्री. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बहुत आसान है. इट इज माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस टू करेंगे तो माइनस 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 प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस थ्री. द इक्वेशन इज माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव. ओके द राइट ऑप्शन इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इट इज प्लस फाइव. दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ सी प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज ओके इक्वल टू जीरो. तो वैल्यू सी की क्या होगी? ठीक है, लेस देन जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, इक्वल टू जीरो एंड कांट से इट मीन्स सी इज जीरो. इसमें क्या होगी वैल्यू? इज इक्वल टू जीरो. क्वेश्चन नंबर 19. इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज. देखिए पॉलिनोमियल में यहां क्लियर करके लिखती हूं, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. अब यहां पर कह रहा है कि एक जीरो मेरा माइनस वन है, हमको निकालना है बीटा गामा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा. तो हम लोग को पता है सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इट मीन्स इट इज इक्वल टू माइनस ए. माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस ए. अब एक माइनस वन है तो बीटा प्लस गामा कितना हो गया माइनस ए, माइनस वन है तो जाके प्लस वन, वन माइनस ए. ओके एंड द प्रोडक्ट ऑफ टूज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसमें क्या हो जाएगा बी, क्योंकि क्या होता है सी बाई ए होता है तो सी बाई ए में से बी बाई वन ये हो गया. अब अल्फा बीटा माइनस वन इंटू बी बीटा और यहाँ पर क्या हो गया बीटा गामा, यही हमको निकालना है और ये हो जाएगा माइनस गामा. देखिए बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी और उस साइड में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा बीटा प्लस गामा, ये हो गया बी. और बीटा प्लस गामा हम लोग को यहां से पता है माइनस ए प्लस वन है तो माइनस ए प्लस वन. द आंसर इज बी माइनस ए प्लस वन. ओके तो विच इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ही आंसर दिख रहा है बी माइनस ए प्लस वन. देखिए किसी में बी माइनस ए माइनस वन है, ये हो गया माइनस बी प्लस ए, ये माइनस ए. ठीक है तो राइट ऑप्शन इज बी माइनस ए प्लस वन. एंड द लास्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ विच पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि लीनियर की डिग्री क्या होती है वन, क्वाड्रेटिक की टू एंड क्यूबिक की थ्री. तो जीरो डिग्री ऑफ विच पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो. ओके थैंक यू.